दोस्तों नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आलू का पराठा। और ये पराठा आप कई तरह से बना सकते हैं, इतना आसान है। तो देख सकते हैं कितना लजीज पराठा हमारा बन के रेडी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट बनाना। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। तो देखिए हमें बॉईल किया हुआ आलू को अच्छे से छील लेना है। अगर आप ज्यादा छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं आलू के पराठा, तो मिर्च का मात्रा कम कर लें या डालें ही ना। तो देखिए हम मिर्च ले लिए हरा वाला, लहसुन की कलियां ले लिए हैं, जितना हम तीखा खाते हैं उतना लिए हैं। आप जितना तीखा पसंद करते हैं ले लें। उसे दरदरा कूट लेंगे हम। एक पेन लेंगे, पेन में जो भी तेल आप खाते हैं डाल लें, उसमें जीरा डाल दें गर्म होने के बाद तेल को। तो देखिए जीरा हमारा चटक रहा है। यहीं पे हम जो दरदरा कूट के रखे हैं लहसुन और मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहीं पे हमें एक छोटा चम्मच हल्दी डालना है। मैं हल्दी इसमें लास्ट में डाली हूँ, भूल गई थी मैं डालना। तो देखिए हम आलू डाल लिए हैं बिल्कुल बारीक करके। यहीं पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे चारों तरफ मिलाते हुए, कि जो हमारा लहसुन और मिर्च का पेस्ट है चारों तरफ मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं प्याज ऐड करूंगी, लेकिन मैं साइड में ही थोड़ा सा भूनूंगी। ज़्यादा हमें प्याज भूनने की आवश्यकता नहीं है इस पराठा में। थोड़ा सा क्रंची क्रंची लगेगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा आलू के पराठा में प्याज खाने में। तो देखिए हम भून ले रहे हैं आलू को और थोड़ा सा हल्दी डालने हैं। ये हल्दी हमें पहले ही डालना है, जहाँ पर हम लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाले हैं वहीं पर डालना है, कि अच्छा से हल्दी भी भून जाए हमारा। लेकिन इस तरह से भी मिक्स हो जाएगा तो भून जाएगा, लेकिन आप पहले ही डालिएगा मिर्च और लहसुन के साथ। तो देखिए चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर लिए हम हल्दी को भी। अब हम साइड में प्याज भूनेंगे थोड़ा सा। प्याज को हमें बिल्कुल हल्का सा भून लेना है, ज्यादा नहीं भूनना है। तो देखिए मैं जगह बना रही हूँ भूनने के लिए। तो आप चाहें तो प्याज ऊपर से काट के भी डाल सकते हैं, या हल्का से इस तरह से भून सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाले हैं हम, देख सकते हैं साइड में ही पैन में। और बिल्कुल हल्का सा हमें इसका पानी जो है प्याज का वो जला लेना है, कि जो आलू में हमारा प्याज जाए तो पानी ना छोड़े, इसलिए हम इस तरीके से भून रहे हैं। आप चाहें तो इसे पहले भी थोड़ा सा भून सकते हैं और बाद में भी भून सकते हैं। तो जैसा आपको लगे आसान वैसा आप भून सकते हैं। तो देखिए प्याज हमारा भून गया, बस इतना ही भूनना था हमें। अब हम इसे मैं जो आलू हमारा साइड में है सभी में मिक्स कर लेंगे। प्याज का पानी जो है मर गया है, मतलब खत्म हो गया है, तो अब आलू में जाने के बाद पानी नहीं छोड़ेगा। तो देखिए अच्छे से हम पूरे आलू में मिक्स कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा फ्लेम है बिल्कुल हाई है, और अच्छा से हम चलाते हुए प्याज को मिक्स कर ले रहे हैं। और नमक तो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो ध्यान रखें कि आप जब नमक डाल रहे हैं तो नमक छिड़क के डालें, यानी कि चारों तरफ हाथों से गिरा के डालें, कि चारों तरफ आपका आलू में नमक चला जाए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आलू है बहुत ही अच्छा भुन चुका है, देख सकते हैं आप। तो थोड़ी देर के लिए हम और भून लेते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए, और ऊपर से हरा धनिया डाल लेंगे। और यहाँ पे हमारा आलू का मिश्रण रेडी है पराठा बनाने के लिए। मिश्रण को ठंडा कर लें, उसके बाद ही पराठा बनाना स्टार्ट करें, नहीं तो गर्मा गर्म में बनाते हैं तो फटने का चांस रहता है। तो किसी भी प्लेट में रख लें और ठंडा कर लें। गेहूं का आटा हम थोड़ा सा नमक डाल के गून लिए हैं, बाकी हम ऑयल वगैरह का यूज नहीं किए हैं। आप चाहें तो 1 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं।
तो देखिए हम प्लेट में रख लिए हैं, ये जो मिश्रण है आलू का बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इस तरीके से आप बनाते हैं, तो सुबह सुबह लंच बॉक्स में भी आप बहुत ही आसानी से बना के दे सकते हैं बच्चों को, और नाश्ते में भी आलू का पराठा आप ले सकते हैं। और यकीन मानिए ये मिर्च और लहसुन दो ही चीजों से इतना टेस्टी लगता है आलू का पराठा, और इसमें प्याज डाला है तो क्रंची क्रंची प्याज लगता है और दो चीजों का फ्लेवर आता है, हरा मिर्च और लहसुन का, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे हम देखिए अच्छे से फोल्ड करके और सूखे आटे में लगाते हुए, जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं वैसा हम पराठा बना रहे हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बेल लेना है, और आप ध्यान रखें कि जब भी आप आलू के पराठा बनाएं तो जो आटा है गेहूं का आटा उसे बिल्कुल सॉफ्ट लगाएं, यानी कि ज्यादा हमें टाइट नहीं रखना है। तो देखिए तवा हमारा गर्म हो गया था, हम ला के पराठा को डाल लिए हैं। एक साइड से थोड़ा सा सिकने के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरा साइड भी इसे पलटते हुए, जो भी तेल आप खाते हो या घी लगाना पसंद करें घी लगा सकते हैं, बटर लगाना पसंद करें बटर लगा सकते हैं, और अच्छे से अलट पलट के घी बटर लगा लें या तेल जो भी आप खाना पसंद करते हो। अब इसे अलट पलट के हमें बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है पराठा को, देखिए इस तरह से क्रिस्पी हो जाएगा और आपका जो पराठा है बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा खाने में। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पराठा है दोनों साइड से बढ़िया से सिक चुका है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। आपको जैसा ही पराठा पसंद हो, थोड़ा सा करारा या थोड़ा सा कम करारा बना सकते हैं। तो देखिए ये जो पराठा हमारा बिल्कुल करारा हो गया है दोनों साइड से, हमारे भी बच्चों को थोड़ा करारा ही अच्छा लगता है तो इसलिए हम थोड़ा सा करारा कर ले रहे हैं। आगे से डिमांड आ रही है कि मम्मी बिल्कुल करारा कीजिएगा, तो आपको भी जैसा बच्चे को फरमाइश हो वैसा बना सकते हैं। तो देखिए पराठा हमारा लजीज सा तैयार है, तो हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा बनाने के लिए हम एक लोई लेंगे और जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे आकार से हम बना लेंगे रोटी को, और जो हमारा आलू का मिश्रण है ठंडा करके हम रखे हैं, एक चम्मच भर के या दो चम्मच भर के इस तरह से हम चारों तरफ रोटी पे फैला देंगे, ये देखिए। लेकिन ध्यान रखें कि इस तरीके का आप पराठा बना रहे हैं तो आलू जो है बिल्कुल बढ़िया से मैश हुआ होना चाहिए, नहीं तो जो आपका पराठा है फटने लगेगा। तो देखिए हम एक फोल्ड इस तरीके से कर लिए हैं और इसका किनारा को अच्छा से चिपका ले रहे हैं, और बीच में जो थोड़ा सा आलू ज्यादा है तो उसको हम बराबर कर ले रहे हैं हथेलियों से। आप चाहें तो यहाँ पे कोई सा भी तेल या घी लगा सकते हैं, या बिना तेल घी लगाए भी इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए ये तिकोन पराठा हो गया और आलू का पराठा है, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये तिकोन पराठा आप सिंपल पराठा भी बना सकते हैं और आलू भर के भी बना सकते हैं, और इस तरीके से आप बना के बच्चों को देंगे लंच बॉक्स में तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत से व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स का रेसिपी लेके आऊं, वो भी नया नया और बिल्कुल आसान हो। तो ये जो रेसिपी है आलू का पराठा ये बहुत ही आसान है और बच्चे इसे बहुत ही खुश होके खाते हैं। तो देखिए हम दूसरा पराठा के लिए भी रेडी कर ले रहे हैं रोटी को, और ये पराठा हम अलग डिजाइन में बनाएंगे। तो आप एक ही चीज से, एक ही आटा से, एक ही आलू के मिश्रण से कई तरह के पराठा बना सकते हैं। तो देखिए हमें अच्छे से इस पे भी फैला लेना है चारों तरफ, ध्यान में रखते हुए कि चारों तरफ अच्छा से हमारा जो आलू है वो लग जाए, जब ही जाके अच्छा टेस्ट आएगा। और पहला फोल्ड इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है और हाथों से बराबर कर लेना है, और थोड़ा सा तेल लगाते हुए या घी लगाते हुए दूसरा फोल्ड भी हम इस तरीके से कर लेंगे। और अब हम इस साइड से उस कॉर्नर तक पहुंचा देंगे
और अपने हाथों के हेल्प से हल्का हल्का दबा देंगे तो इसका जो शेप है बढ़िया से हो जाएगा चार कोण के हिसाब से। और ये जो पराठा बनेगा वो चार कोण के तरीके से बन के रेडी होगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लगता है इस तरीके का भी पराठा, बिल्कुल करारा बनता है और खाने में अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो जिस भी तरीके का आपको पराठा पसंद हो बना सकते हैं। तो देखिए ये पराठा हमारा बिल्कुल करारा हो गया है, हम इसे अलट पलट के बढ़िया से पका लिए हैं, अब हम प्लेट में रख ले रहे हैं। तो देख सकते हैं है ना मजेदार पराठा। तो आप किसी भी डिजाइन में और किसी भी तरीके से आलू का पराठा बना के बच्चों के लंच बॉक्स में देते हैं तो उनके लिए हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा और वो लंच कभी भी आपस नहीं लेके आएंगे। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आलू बच्चों को बहुत पसंद आता है आप सभी को पता है। और ये देखिए ये हमारा चार कोन वाला भी पराठा बन के रेडी है। अब हम आपको चौथा डिजाइन बता देते हैं और आप कई डिजाइन कभी बना सकते हैं जो भी डिजाइन आपको पसंद हो। तो देखिए अगर बच्चों को छोटा छोटा चीज पसंद हो जैसे छोटा पराठा पसंद हो तो इस तरीके से भी आप देखिए दो रोटी का हेल्प लेके अच्छा से चिपका लें। ध्यान रखें कि जो आपका आलू का मिश्रण है बाहर ना निकले। और चिपकाने के बाद ये देखिए हम पूरा कॉर्नर को चिपका ले रहे हैं और इस तरीके से भी हल्का सा आप बेल के भी पराठा बना सकते हैं। और मैं जो बता रही हूँ वो रोल करके मैं बताऊंगी आपको। तो हल्का सा मैं बेल ले रही हूँ पहले इसे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलें और थोड़ा सा जो भी घी तेल आप लगाना चाहते हैं लगा लें और इस तरह से हल्के हाथों से इसे फोल्ड करते हुए एक रोल के हिसाब से बना लें। देखिए अब आप चाहें तो इसका जितना बड़ा पीस काटना चाहते हैं पीस काट लें। कॉर्नर को हम काट के हटा देंगे और इस तरह से छोटा छोटा पीस काट के और बच्चों का लुभावना पराठा बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा पराठा बनेगा और इन सभी लोइयों को हमें बेल लेना है, कॉर्नर को आटा में रख लेना है और सूखे आटे में लगाते हुए और हल्के हाथों से इसे बेलते हुए रेडी करेंगे। इस तरीके से भी बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप किस तरीके से बनाना पसंद करेंगे आलू का पराठा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा, बिल्कुल सिंपल सा रेसिपी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो देखिए इधर हमारा तवा तो गर्म है ही, एक साथ में आप तीन चार पराठे डाल सकते हैं छोटा वाला और ये ज़्यादा क्रिस्पी होगा क्योंकि इसमें आलू भी दिख रहा तो बहुत ही क्रिस्पी लगेगा खाने में और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से भी आप सेम तरीके से सेक सकते हैं घी। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चों के लिए घी लगाएं पराठा में और बाकी जो लोग जो भी पसंद करते हैं लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अलट पलट के बढ़िया से सेक लें और सेकने के बाद में जो हमारा पराठा है इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो लीजिए हमारा ये मिनी पराठा भी बनके रेडी है आलू का पराठा और ये बच्चों को लंच बॉक्स में आप देते हैं तो वो उनको बहुत ही मजा आएगा खा के। तो आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दें, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।